इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ एक सुपर प्लेट वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव करने की। लेकिन ये नॉर्मल सुपर प्लेट नहीं है। इस वर्ल्ड में ना ही डर्ट है, ना ही पानी है और ना ही किसी टाइप का स्ट्रक्चर है। इस वर्ल्ड में है केवल ओक की 3 लेयर्स। इन यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए केवल मेरे को रोटन प्लेस खाना होगा, लेकिन हमारा मेन गोल होगा डर्ट फाइंड करना। ये सुनने में तो बहुत इजी लग रहा होगा, बट ये कितना इजी होगा वो तो तुमको वीडियो में ही पता चलेगा। इंडिया एंजॉय दी वीडियो। डे 1 वर्ल्ड में जाते से सबसे पहले मैंने कुछ वुड को जमा किया एंड अपने बेसिक टूल्स को बनाया एंड कुछ स्लाइम्स को मारकर अपने अचीवमेंट्स को कम्प्लीट किया एंड उसके बाद मैंने पूरा दिन वुड जमा किया और अपने लिए एक डिफेंस वॉल बनाई। नाउ उसी के साथ मेरा डे 1 कंप्लीट होता है। रात होते से टाइम हो चुका था फूड जमा करने का, इसलिए मैंने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को धोखे से मारकर काफी सारा रोटन प्लेस जमा किया, बिकॉज खाने के लिए यहाँ पर कुछ है ही नहीं। रात में पता नहीं कैसे एक स्पाइडर मेरे घर के अंदर घुस जाती है एंड इसको देखते से मेरी तो हवा टाइट हो गई थी, बट थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने इसको मार दिया। या थोड़ी सी मेहनत, बट मैं ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार पाया क्योंकि यहाँ पर स्केलेटन मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। सुबह होते से मैंने काफी सारा रोटन प्लेस जमा किया जो कि ज़ॉम्बीज के जलने की वजह से ड्रॉप हुआ था। इन यहाँ पे मेरे को अपने फूड को काफी सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। इन फाइनली थोड़ा खाना खा के राहत की सांस ली एंड अभी तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आ चुका हूँ। एंड इतने फूड के साथ मैं काफी ज्यादा हार्ड था सर्वाइव करना, तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा। बट एक्सपी फार्म को बनाने के लिए मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी एक्सपी फार्म बनाया जो कि मेरे को ठीक ठाक फूड दे देगा। इन इस काम को करते करते मेरे को एक बार फिर से रात हो जाती है, बट अभी भी मैं अपने मो फार्म के ऊपर काम कर रहा था। सुबह होते से मेरा एक्सपी फार्म कम्प्लीट हो चुका था एंड ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा था, तो मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को बुला कर उनकी वाट लगाई। पूरा दिन बस मैंने यही काम किया, ज़ॉम्बीज़ को बुला कर रोटन फ्लेस जमा करना। अगले दिन भी वापस से मैं यही काम करता रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ करने को था ही नहीं। इन यहाँ पे मैं टोटली डिपेंडेंट था ज़ॉम्बीज़ के ऊपर, इन्हीं से मुझे कुछ अच्छी ड्रॉप मिल सकती है। इन फाइनली एक ज़ॉम्बी ने यहाँ पर एक आयरन इनगट ड्रॉप करी, उसके बाद मैंने जल्दी से एक सेल बनाई। इन यहाँ पर मेरे पास अभी काफी सारे स्ट्रिंग्स भी इकट्ठी हो चुकी थी, स्ट्रिंग से कुछ वूल बनाया एंड उसके बाद फाइनली बनाया मैंने अपने लिए एक बेड। अभी मेरे को रात में उल्लू बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इसी के साथ अपनी फर्स्ट नाइट विद बेड। सुबह उतर से देखता हूँ तो मेरे सामने खड़ी थी एक स्पाइडर, तो यहाँ मैंने उसकी भी वाट लगाई। रोटन प्लेस को खाने से मेरा हंगर बार कुछ ज्यादा जल्दी खाली हो रहा था। इन यहाँ पे मैं ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला रहा था, बट पता नहीं कैसे एक स्केलेटन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर ज़ॉम्बी अपनी वफादारी को निभाते हुए स्केलेटन को मार गिराते हैं। इन यहाँ पर मैं एप के रहते हुए ज़ॉम्बीज़ को मारना कंटिन्यू रखता हूँ, बिकॉज अभी मेरे को यहाँ पर एक वाटर सोर्स बनाना था। इन इसके लिए मेरे को बारिश के पानी को जमा करना होगा। इन इसके लिए मेरे को चाहिए होगा एक कोल्ड रन एंड आयरन इनगट के ड्रॉप होने का चांस केवल 2.5% होता है। इन यहाँ पर अचानक से स्पॉन होते हैं अपने ट्रेडर भैया। इन इस बार पता नहीं क्यों मेरे को ट्रेडर ही सबसे ज्यादा काम का बंदा लग रहा था, बट फिर भी मैंने इसको मार दिया। मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज को मार ही रहा था, बट पता नहीं कहाँ से क्रीपर आके फट जाता है, तो मैं तो यहाँ पर बच जाता हूँ, बट काफी सारे ज़ॉम्बीज अंदर इंटर कर जाते हैं, साथ में क्रीपर भी इंटर कर जाता है, तो मेरे को अपने घर को छोड़ के भागना पड़ता है। इन एक बार फिर से मैं अपने घर को रिपेयर करता हूँ। मैं यहाँ पर एप के कर ही रहा था कि थोड़ी देर में एक और क्रीपर फट जाता है। ये दिन भी खत्म होने को चला था, बट अभी भी मेरे पास कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी। सुबह होते से हमारा मो फार्म कुछ ज्यादा ही फास्ट काम करने लग जाता है। इंडिया ये हमारे लिए काफी अच्छी बात थी। यहाँ पे मुझे एक ज़ॉम्बी मिलता है जो कि फुल गोल्ड आर्मर के साथ में था, तो मैं उसको बड़े ही प्यार से मारता हूँ ये सोच कर कि वो कुछ ड्रॉप करेगा, बट वो कुछ भी ड्रॉप नहीं करता है। उसके बाद मैं काफी देर तक एप के रहता हूँ और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को बुला के उनकी वाट लगाता हूँ। यहाँ पर मैं ज़ॉम्बीज़ को मार के बोर हो चुका था, तो मैं निकल पड़ता हूँ वुड को काटने के लिए। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर एक चेस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपना सारा सामान रख देता हूँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा स्लाइम स्पॉन हो रहे थे जिनको मुझे स्टॉप करना था, सो उसके लिए मैं यहाँ पर काफी सारे स्लैब्स को बनाता हूँ। सभी स्लैब्स को मैंने यहाँ पर 2-2 ब्लॉक की गैप लगाया जिससे कि मेरे को कम से कम सामान में काम हो जाए मेरा। स्लाइम के होते हुए यहाँ पर काम करना काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने एक्सपी फार्म के ऊपर ही काम करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर काफी सारे स्लैब्स को लगा देता हूँ जिससे कि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। नाउ भी टाइम आ चुका था अपने लिए एक मॉब फार्म बनाने का। मॉब फार्म आधा ही बना था कि मुझे याद आता है कि यहाँ पर अपने को वाटर भी चाहिए होगा, तो मैं वापस से नीचे आ जाता हूँ। इन काफी टाइम तक एप के रहते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ एंड अचानक से एक स्केलेटन ने मेरी यहाँ पर जान ही निकाल दी थी। अभी यहाँ पर अचानक से बारिश शुरू हो चुकी थी एंड लकीली मेरे पास 7 आयरन इनगट भी हो चुकी थी, तो जल्दी से मैंने एक कोल्ड्रन बनाया एंड उसको जल्दी से प्लेस कर दिया। उसके बाद जब तक यहाँ पर पानी बंद न हो जाए तब तक यहाँ पर मैं एप के खड़ा रहा। इन बारिश बंद होने के बाद भी हमारे कोल्ड्रन के अंदर कुछ भी पानी नहीं आया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बारिश का इंतजार करने लग जाता हूँ। इन टाइम पास करने के लिए मैं अपने एरिया को थोड़ा एक्सपांड करता हूँ एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद वापस से बारिश शुरू हो जाती है, तो मैं वापस से पूरे टाइम एप के खड़ा रहता हूँ। एंड इस बार अपना कोल्ड्रन थोड़ा सा भर चुका था, बट ये अभी भी काफी ज्यादा खाली था। उसके बाद मैं वापस से अपने फार्म के ऊपर एप के रहता हूँ एंड काफी सारे ज़ॉम्बीज की वाट लगाता हूँ, बिकॉज अभी करने को कुछ था ही नहीं। एंड साथ में मैं आसपास के एरिया को भी थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस यहाँ पर बारिश होती है, बट इस बार भी हमारा कोल्ड्रन पूरा नहीं भरा था। 2 दिन तक तो मैं केवल एप के खड़ा रहा और कुछ भी नहीं किया वर्ल्ड के अंदर। इन साथ में अपने मो फार्म के ऊपर भी थोड़ा काम किया, बट मैं फार्म को बनाने जा ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, तो मैं जल्दी से वापस से कोल्ड्रन के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। नाउ फाइनली इस रात में हमारा कोल्ड्रन फुल हो जाता है। बीच में एप के करते टाइम मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा और आयरन मिला था जिससे अपना कोल्ड्रन की बकेट तो बनी जाएगी। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ से वाटर को उठाया। बोन मिल की मदद से यहाँ पर मैंने एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया एंड मुझे आज पता चलता है कि पानी के अंदर वुड के ऊपर भी ग्रास उग जाती है। एंड फाइनली अभी मैं अपने मो फार्म को कम्प्लीट करता हूँ।
नाउ फाइनली अभी हमारा मोफार्म बनके तैयार हो चुका था, बट पता नहीं क्यों हमारे मोफार्म के अंदर स्क्विड ज्यादा स्पॉन हो रहे थे। कुछ स्क्विड्स को तो मैंने मार भी दिया बट वो वापस स्पॉन हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपना एक देसी जुगाड़ लगाता हूँ। इसके लिए मैंने अपने गेम को क्विट किया, इन 1.16 से वापस से ज्वाइन किया, ये सोचकर कि उस टाइम पे ग्लू स्क्विड ऐड नहीं हुए थे। एंड जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ तो मैं जा चुका था सीधे वॉइड में। तो मैं वापस अपने पुराने वाले वर्ल्ड में आ जाता हूँ। एंड अभी हमारे प्लेटफॉर्म के नीचे कुछ ज्यादा ही मूव स्पॉन हो रहे थे, आई थिंक इसीलिए हमारा फार्म इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर में हमारा मूव फार्म काफी अच्छे से वर्क करने लग जाता है। यहाँ पर अचानक से एक ज़ॉम्बी स्पॉन होता है जो कि फुल गोल्ड आर्मर के साथ में था। तो मैं जल्दी से मूव फार्म के ऊपर जाके उसको बंद कर देता हूँ। इन ज़ॉम्बीज को ड्रोन आउट बनाने के लिए उनके ऊपर वाटर लगा देता हूँ। एंड जब मैं ग्लू स्क्विड को हाथ में लेके उसके पास जाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि वो तो एक स्केलेटन है ना कि कोई ज़ॉम्बीज। नाउ अभी मेरे पास सब कुछ हो चुका था एंड इससे आगे की प्रोग्रेस में बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसके आगे बस मैं बिल्ड बना सकता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड यहाँ पे मुझे याद आता है कि जब मैं स्टार्टिंग में इंटर हुआ था वर्ल्ड के अंदर तब मुझे यहाँ पर एक बुक मिली थी जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि जब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ आगे तब जाके मैं इस बुक का यूज करूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी वो टाइम आ चुका है। नाउ जैसे इस बुक को ओपन करता हूँ तो यहाँ से मिलते हैं मुझे कुछ कोऑर्डिनेट। एंड इन कोऑर्डिनेट को देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो चुका था बिकॉज मुझे लग रहा था कि अभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। तो जल्दी से मैं बेड को उठाता हूँ, निकल पड़ता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जैसे मैं इस कोऑर्डिनेट के ऊपर पहुंचता हूं तो मुझे यहां से मिलती है एक चेस्ट जिसके अंदर कुछ डर्ट सैंपलिंग एंड फ्लिंट रखा हुआ था। आई डोंट नो इतना कम सामान देने का क्या रीजन बनता है। घर आकर मैंने एक ब्लॉक के ऊपर एक सैंपलिंग को प्लांट किया एंड दूसरे ब्लॉक के ऊपर मैंने कैरेट और पोटेटो की खेती करी बोन मिल का यूज करते हुए बिकॉज मेरे पास काफी सारे बोन्स रखे हुए थे। हैशटैग अभी अपने को फूड की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक पोटेटो भी था तो मैंने उसको भी मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैंने एक ब्लॉक का यूज करते हुए काफी सारे सैंपलिंग्स को प्लांट किया जिससे कि मुझे कुछ सैंपलिंग्स एंड कुछ एप्पल्स मिल सके। एंड फाइनली मुझे यहाँ से एक एप्पल मिल जाता है। अभी जस्ट मुझे कुछ गोल्ड इनगट चाहिए थी जिससे कि मेरा गोल्डन एप्पल बन सके। उसके लिए मैंने यहाँ पर काफी देर तक एपके किया और काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारा। इन अचानक से मेरे घर के पास से कुछ पिलेजर्स गुजरते हैं तो मैं उनका पीछा करते उनके पीछे जाता हूँ, बट रात में इनसे फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है तो मैं उनको अपने पीछे भगाते भगाते अपने घर की तरफ ले जाता हूँ। एंड जैसे मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो सारे के सारे पिलेजर्स गायब हो चुके थे। मैंने काफी ज्यादा ढूंढा पर मेरे को एक भी नहीं मिला। एक बार फिर से मैंने एक और ज़ॉम्बी को वाटर के अंदर कैद किया जिसके पास गोल्ड आर्मर था। एंड ये ड्रोन बन भी जाता है बट अपने आर्मर को ड्रॉप भी नहीं कर रहा था, इसके लिए मैं उसको भी मार देता हूँ। एंड फाइनली भी मेरे पास 8 गोल्डन इनगट भी हो चुकी थी तो जल्दी से मैंने एक गोल्डन एप्पल बनाया। एंड लकीली थोड़ी देर में यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर भी स्पॉन हो जाता है। एंड उसको फार्म से बाहर निकाल कर एक बोट में बिठा देता हूँ, बट विलेजर को क्योर करने के लिए मेरे को परफेक्ट एरिया बनाना होगा जिससे कि इजीली अपना विलेजर क्योर हो सके। उसके बाद मैं एक ब्लॉक का यूज करते हुए काफी सारे सैंपलिंग्स को प्लांट करता हूँ। नौ भी रात हो चुकी थी एंड टाइम हो चुका था अपने विलेजर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का। एंड सुबह होते से हमारे फार्म के अंदर एक विच भी स्पॉन हो चुकी थी तो मैं जल्दी से उसको भी बाहर निकालता हूँ, बट इसको अंदर डालना काफी ज्यादा हार्ड था, ये मेरे को भगा भगा के मार रही थी। काफी देर तक भागम भागी करने के बाद फाइनली मैं उसको ऑपरेशन थिएटर में डाल देता हूँ। ऑल राइट, अभी टाइम आ चुका है विलेजर को क्योर करने का। एंड फाइनली यहाँ पर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्लेचिंग टेबल बनाई एंड साथ में एक बेड भी बनाया जिससे कि अपना विलेजर सो सके। एंड वेट करने लगे विलेजर के क्योर होने का। यहाँ पे मेरा विलेजर कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा था, उसने आकर खुद से अपनी जॉब ले ली तो मैंने वापस से उसकी जॉब उससे छीन ली एंड उसको एक फ्लेचर वाली जॉब दी जो की लकड़ियों के बदले मुझे काफी सारे एमरल्स देने वाला है। उसके बाद मेरे पास जितने भी लोग थे उन सभी को मैं स्टिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, इन विलेजर से काफी सारे एमरल्स को ट्रेड करता हूँ। बट यहाँ पे मेरे विलेजर के पास सामान खत्म हो चुका था। थोड़ी देर में वापस से मैंने उससे कुछ एमरल्स लिए एंड साथ में हमारा विलेजर अपग्रेड भी हो चुका था। अभी मुझे बस एक वंडरिंग ट्रेडर का इंतजार था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक के रहते हुए काफी सारे मूव्स की वाट लगाई एंड फाइनली अभी हमारा ट्रेडर भी आ चुका था। एंड लकीली ये लेकर आया था अभी पोर्टजल के ब्लॉक जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। उसके बाद मैं फटाफट से एमरल्स को उठाता हूँ एंड उससे कुछ ट्रेड्स करता हूँ। एंड जैसे मैं इनको प्लेस करूंगा और वापस से तोड़ूंगा तो मेरे को यहाँ पर सीधे सीधे डर्ट मिलने वाली है जिनके ऊपर मैं फार्मिंग कर पाऊंगा। एंड साथ में मैंने उससे कुछ सैंपलिंग्स भी ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फार्मिंग एरिया बनाया एंड उसके ऊपर कुछ कैरेट्स को प्लांट किया एंड सैंपलिंग को प्लांट करके उसको तोड़ भी दिया जिससे मुझे और भी ज्यादा सैंपलिंग्स मिलेगी। अभी मेरे पास काफी सारे सैंपलिंग्स हो चुकी थी तो मैंने सभी को प्लांट किया एंड यहाँ पर भी केवल मैंने एक डर्ट ब्लॉक का यूज किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फिशिंग एरिया बनाया इन पूरे दिन फिशिंग करी। इन फिशिंग से मेरे को केवल मछलियाँ मिली। अभी मेरे पास यहाँ पर वुड खत्म हो चुका था तो मैं वापस से निकल पड़ता हूँ वुड को काटने के लिए। उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बढ़ाता हूँ जिससे कि मैं अपना घर बना सकूं। एंड अचानक से मेरे घर के पास में एक लाइटनिंग गिरती है जिसकी वजह से चारों तरफ आग लगना शुरू हो चुकी थी एंड इसको मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले मैंने अपने घर के कनेक्शन को जमीन से अलग किया एंड उसके बाद चारों तरफ वाटर लगाना शुरू कर दिया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद फाइनली मैं आग को बुझा देता हूँ एंड फाइनली अभी मैं अपने घर के ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। एंड अभी मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ बहुत बड़ा केसल।
ऑल राइट गाइस, तो मेरा भी घर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ चुका था, बट आगे का काम करने से पहले मेरे को थोड़े से रिसोर्स जमा करने होंगे। एंड अभी मैंने यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी विलेजर को कैद कर लिया था, बट इस बार मेरे को विच की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर मेरा फ्लेचर वाला बंदा मेरे को वीकनेस वाले एरो दे रहा था। एंड साथ में मेरे पास गोल्डन एप्पल को बनाने जितना सामान भी था, एंड साथ में मुझे यहाँ पर कुछ कॉपर की इनगट भी मिल चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने ज़ॉम्बी विलेजर को एक एरो मारा, एंड साथ में उसको गोल्डन एप्पल खिला दिया, एंड फाइनली ये वाली ट्रिक काम कर जाती है। एंड इस विलेजर को मैं देने वाला हूँ बैरल वाली जॉब, नाउ ये बन की अपनी लाइटनिंग रोड जो कि अपने केसल के ऊपर लगने वाली है, जिससे कि मैं लाइटनिंग से अपने केसल को बचा सकूं। बैरल वाली जॉब देने के बाद ये फालतू का सामान दे रहा था, तो मैंने बार बार इसे जॉब को चेंज करवाया, बट स्टिल ये अभी भी मेरे को कचरा ही दे रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर एक डील को डन कर लेता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ फीस रखी हुई थी, एंड साथ में मेरे पास काफी सारे एमरल्ड्स भी थे। उसके बाद मैं उससे कुछ फीस को ट्रेड करता हूँ, जिससे कि उसका लेवल अप हो। सेकंड लेवल पर जाने के बाद भी वो मेरे को फालतू का सामान दे रहा था, बट मुझे उसको और भी अपग्रेड करना था। उसके लिए मैं वापस से काफी देर तक फिशिंग करता हूँ, एंड वापस से अपने विलेजर से ट्रेड करता हूँ। लेवल 3 पर भी वो मेरे को कुछ भी अच्छा सामान नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने दोनों विलेजर की ब्रीडिंग करवाई, एंड वापस से निकल पड़ता हूँ वुड जमा करने के लिए। एंड अभी मेरा तीसरा विलेजर भी बड़ा हो चुका था, जिसको मैंने बैरल की जॉब दी। एंड इसको अपग्रेड करने के बाद फाइनली मेरे को ये कैंप फायर दे रहा था, जिसकी मुझे अभी काफी ज्यादा जरूरत थी। अब मैं अगर कैंप फायर को लगा के ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा मिलेगा चारकोल, जिसकी मुझे अभी काफी ज्यादा जरूरत थी, जिससे कि मैं टॉर्च बना सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ टॉर्च बनाई, एंड टॉर्च को अलग अलग जगह पे प्लेस कर दिया। नाउ अभी टाइम आ चुका था अपने केसल को कम्प्लीट करने का। नाउ इसी के साथ गाइस हमारे 100 डेज कंप्लीट होते हैं, एंड आई होप तुमने इस वीडियो को पसंद किया होगा। एंड अगर तुमने वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड जाने से पहले मैं तुमको एक टॉप सीक्रेट बता देता हूँ, जिसके बारे में काफी सारे बंदों को अभी भी कंफ्यूजन होगा। तुम इससे काफी सारे बंदे सोच रहे होंगे कि गोल्ड इनगट कहां से मिली, तो गाइस देखो वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैंने जानबूझ के हाइड कर दिया था, एंड ये पार्ट कुछ इस तरीके से था। नाउ जब मैंने सर्वाइव करना शुरू ही किया था, तो स्पॉन के पास में मुझे एक और लोकेशन मिली थी, जहां पर 2 पिग के स्पॉन एग रखे हुए थे, एंड उसके साथ वहां पर एक लाइटनिंग रोड भी थी। नाउ भी तुम समझ चुके होंगे कि आखिर हुआ क्या होगा। That's all guys, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।